दुख हरा, रोग हरा, संकट हरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। नमस्कार, जय माता दी। स्वागत है आप सबका एक और नए प्यारे से व्लॉग में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल टेंपल पॉइंट। फिलहाल हम सब मौजूद हैं MH 31 पे, जिसको हम नेशनल हाईवे बोलते हैं, और आप देख रहे होंगे सबसे पहले गाड़ियों का काफिला, साथ ही साथ हम जा रहे हैं आज मार्कंडे महादेव जी के दर्शन करने बनारस के कैथी में। तो आप सबको भी इस व्लॉग में हम लेकर चल रहे हैं और घर बैठे दर्शन कराने के साथ साथ संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस व्लॉग का सेकेंड पार्ट भी आएगा, जिसमें हम आप सबको सर्वोदय महामंदिर के भी दर्शन कराएंगे और वहां से जुड़ी जानकारी भी शेयर करेंगे, जिसका इनॉग्रेशन अभी रिसेंटली ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस मंदिर बन चुका है बनारस का। तो अगर आप बनारस के बाहर से भी हैं ना, तो इस ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा। आप सबके लिए एक नया कंटेंट, एक नई इंफॉर्मेटिव ब्लॉग एक नए तरीके से, तो बस पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर आप सब बनारस आ रहे हैं तो मार्कंडेय महादेव जी के दर्शन करने ज़रूर जो है जाइएगा। फिलहाल देखिए कुछ इस तरह का ये नेशनल हाईवे होता है और हमारे साथ मौजूद हैं भानु जी। हर हर महादेव। भानु जी को आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोगों ने हमारा व्लॉग देखा होगा श्री केदारनाथ जी का, और हम लोग ऋषिकेश हरिद्वार भी विजिट किए थे, बाइक के साथ ही किए थे, और भानु जी बाइक लवर है, तो बाइक से ही हम इस यात्रा को पूरा करने वाले हैं। तो चलिए बस अब एक जयकारा लगाएंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लिप में। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हम सब देखिए आगे ही बढ़ रहे थे मार्कंडे महादेव जी के दर्शन के लिए, और हमें सामने ही दिख गया सर्वेद महामंदिर, जिसको कि हम आने वाले रिटर्न ब्लॉग में आपको दिखाने वाले हैं। तो उसे भी ज़रूर देखिएगा और देखिए किस तरह का यहाँ पर चहल पहल देखने को मिल रहा है। हर जगह पर आपको गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, लोग अलग अलग स्थान से यहाँ पर आते हैं, और देखिए किस तरह का नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। चलिए आएंगे तो पूरी डिटेल दिखाएंगे, जानकारी देंगे, और आएगी ब्लॉग बहुत जल्द। अभी फिलहाल आप MH 31 का ये नज़ारा देखिए। लगभग 16 से 17 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम अभी रुके हुए हैं NH 31 पर ही, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक ले चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म का ये डिस्टेंस था और बाइक से कवर करना थोड़ा सा जो है वो इशू बन जाता है, बट कोई नहीं, यहाँ से ऑलमोस्ट अभी भी हमें 16 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करनी है, तब जाकर हम पहुँचेंगे मार्कंडेय महादेव जी के मंदिर में और वहाँ जाकर दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि ये जो हाईवे आप देख रहे हैं ना, ये कानपुर से अटैचमेंट है, मतलब अगर आप बनारस से कानपुर जाते तो इस हाईवे से होके जाएंगे, और जनरली इधर के लोग इसे गाजीपुर के हाईवे के नाम से भी जानते हैं, इससे आप गाजीपुर भी जा सकते हैं। चलिए ऐसे ही आपके लिए बस कंटेंट आ रही है, और इतना आसान नहीं होता है व्लॉगिंग, लेकिन बस आपके लिए हम ये कर रहे हैं। अब आगे निकलते हैं और ये चौराहा पे हमें नंदी महाराज जी के भी दर्शन जो है वो हो रहे हैं, तो एक अलग ही फीलिंग है कि महादेव जी के दर्शन करने जा रहे हैं और नंदी महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। हम अभी व्लॉग बना रहे हैं और लोग देखिए इसी तरह से ना बड़ा अजीब सा अनकंफर्टेबल महसूस होता है, लेकिन कोई नहीं, आपके लिए ये सब कर रहे हैं, तो बस आप जल्दी से शेयर कर दीजिएगा।
फिलहाल हम सब पहुंच चुके हैं मार्कंडे महादेव मंदिर, और मेरे पीछे सबसे पहले आप माँ गंगा के इस पवित्र पावन दर्शन को प्राप्त कर रहे होंगे। जितने भी श्रद्धालु मार्कंडे महादेव आते हैं महादेव जी के दर्शन करने के लिए, सबसे पहले वो इस पवित्र पावन माँ गंगा में स्नान करते हैं और उसके बाद जो है यहाँ से प्रसाद लेकर दर्शन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि हम घर से स्नान कर आ चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हमने सोचा कि आपको यहाँ का पूरा जो है वो दृश्य दिखा दिया जाए, कुछ इस तरह का यहाँ पर दृश्य देखने को मिलता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि जैसे आप यहाँ पे पहुँचेंगे ना, तो यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। यानी आपको, आप किसी भी माध्यम से आ रहे हैं, इन केस आप बाई कार आ रहे हैं या बाई बस आ रहे हैं या बाई बाइक आ रहे हैं, अपने व्हीकल्स के साथ आ रहे हैं, तो आगे आपको पार्किंग की व्यवस्था मिलेगी जहाँ पर आप अपना जो भी व्हीकल्स है उसे पार्क कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 10 से 20 रुपये का कॉस्टिंग वो लोग लेते हैं। और मैंने यहाँ पर देखा कि गवर्नमेंट के एक बस भी यहाँ पर चल रहे हैं चौबेपुर के रास्ते यहाँ आने वाले कैथी श्रद्धालुओं के लिए, तो ये भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है, इनिशिएटिव है भी आगे मैंने देखा हुआ है। चलिए यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे और जो जानकारी होगी, जैसे जो दर्शन प्राप्त करेंगे वो सब शेयर करेंगे। आपको ये भी बता दें कि अगर आप बनारस के बाहर से इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो आपको जो है ना वो वाराणसी जंक्शन आना होगा। अगर आप बाई ट्रेन से आ रहे हैं, अगर आप बाई फ्लाइट से आ रहे हैं तो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है वहाँ आना होगा, और अगर आप बाई बस आ रहे हैं तो जो है कैंट रेलवे स्टेशन पर भी बस स्टैंड बना है वहाँ आना पड़ेगा। उसके बाद आपको आशापुरा जाना है किसी भी व्हीकल्स के थ्रू, वहाँ से आपको लोकल ऑटो भी मिल जाएगा जिसका फेयर ऑलमोस्ट 20 रुपये होता है। आप आ जाइए आशापुर और आशापुर से फिर आपको कैथी के लिए ऑटो और बसेस जो भी हैं वो मिल जाएंगे, वो भी ऑलमोस्ट आपसे जो है वो वही 20 से 25 रुपये के आसपास में कॉस्ट लेंगे। ये जो है प्राइजेस होता है। अगर आप अपना खुद का टैक्सी करके आ रहे हैं कैंट रेलवे स्टेशन से, तो लगभग टैक्सी वाला आपसे 300 के समथिंग में चार्ज लेगा। अब चलिए ये पूरा आपको हम दिखा पा रहे हैं, जो कि अभी हम लोग घाट से आगे चल रहे हैं। और भानु, बाइक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? भाई साहब, बाइक पे ये मुझे तो लग रहा था कि मैं कोई ट्रेन में बैठा हूँ और ट्रेन की स्पीड से बाइक चल रही है, लेकिन कोई नहीं, बड़ा सेफ्टी मेजर्स के साथ भी हम लोग आते हैं तो ध्यान रखते हैं। हाईवे पे है, वैसे भी बाइक आप स्लो चला ही नहीं सकते, सो दैट हम लोग को जो है वैसे जाना पड़ता है। चलिए ऑलमोस्ट हमने ये तो बता दिया कि आप कैसे किस तरह से विजिट कर सकते हैं। आगे मंदिर है, वहाँ चलते हैं। और देखिए उधर भी एक जो है स्टैंड बनाया गया है, उधर भी है। और आप चाहें तो इधर गंगा घाट पर आकर भी, यहाँ पर भी स्टैंड देखिए ना, वो स्टैंड है ना, वो सब स्टैंड वहाँ पर भी आप पार्क कर सकते हैं। और आपको बता दें कि महाशिवरात्रि पर्व पर और मंडे को वीकेंड पे बहुत रश होता है, बहुत रश होता है। और इधर तक व्हीकल्स वगैरह नहीं आ पाते, उधर ही वो पार्किंग होता है क्योंकि इतना ज़्यादा रश होता है। मंदिर को क्रॉस करके ना ये रोड आता है, इस वजह से के लिए पार्किंग उधर ही है, उधर ही है। मैं आपको बता दूँ, पिछले 2021 में मैं यहाँ पे आया था दिसंबर महीने में, और 2024 के शुरुआत में ही यहाँ आने का मौका मिल रहा है। उस समय और आज के समय में बहुत चेंज हो गया, बहुत चीज़ें बदल गई हैं, डिफ्रेंशिएट हो गया सारी चीज़ें। बट चलिए अपने कंटेंट के माध्यम से आप सबके लिए बस प्यारा प्यारा व्लॉग और नई नई जानकारी शेयर करने का मौका मिल रहा है। अब देखते हैं क्या कुछ बदलाव हुआ है इतने सालों में, इतने टाइम हम बाद आ रहे हैं, तो जो चीज़ भी होगा ना वो शेयर करेंगे। बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव। देखिए ऋषि मुनि ऋषि थे मृकंडु ऋषि, तो मृकंडु ऋषि को कोई पुत्र नहीं था, पुत्र पुत्री कुछ नहीं था। ऋषि मुनियों के समय में ऋषि मुनि जो थे तो उनको, उनकी पत्नी को ऋषि मुनियों की पत्नी जो है ताड़ना देती थी कि बिना पुत्र गति नास्ती, तुम्हें पुत्र नहीं है, बाझन हो ऐसा बोलते थे लोग, ठीक है। तो इस चीज़ से ऋषि मुनि परेशान होकर के भगवान विष्णु के पास गए, भगवान ब्रह्मा के पास, विष्णु के पास, सभी देवी देवताओं की अर्जी लगाई। तो उनको ब्रह्मा जी ने बताया कि ऐसा है कि आपके भाग्य में पुत्र है ही नहीं, और भाग ही मेट सकहीं त्रिपुरारी, कोई अगर ऐसा है जो भाग्य को मिटा के अपने हिसाब से भाग्य बना सके तो वो केवल त्रिपुरारी भगवान शिव शंकर जी हैं, तो आप शंकर जी के पास जाओ, उनकी उपासना करो। तो शंकर जी की उपासना किए और बड़े दिनों तक उपासना किए, तो भगवान शंकर जी प्रकट हुए, बोले मांगिए ऋषिवर, क्या मांगते हैं? तो बोले कि हे भगवान, मेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, तो कृपा आप मुझे ऐसा वरदान दें, मुझे पुत्र हो, मुझे पुत्रष्टि का जो है वरदान दीजिए। तो बोले ठीक है, तथास्तु, जाओ, तुम्हें पुत्र होगा। अब क्योंकि इनके भाग में पुत्र नहीं था इसलिए उनको अल्प आयु का पुत्र प्राप्त हुआ, तेजस्वी पुत्र, बहुत समझदार, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत जानकार, लेकिन अल्प आयु, अल्प आयु का मतलब 12 वर्ष की आयु लेकर के वो पुत्र प्राप्त हुआ इनको।
तो इनको महादेव ने बताया कि आपके पुत्र की अल्प आयु रहेगी, लेकिन आपको तेजस्वी पुत्र रहेगा, जो कलंक है आपके माथे से मिट जाएगा कि आप बाज हो बाजिन हो। तो बोले ठीक है, शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए इतना कहकर। कुछ समय के पश्चात ऋषि मुनि को पुत्र हुआ मृकंड ऋषि को, उनकी पत्नी का नाम अरुणधति था। उनको पुत्र प्राप्ति हुई, बड़ा खुश थे। कुछ समय बीता, धीरे धीरे समय बीतता गया। जब मार्कंडेय ऋषि की आयु 12 वर्ष हुई तो फिर जो है चिंतित रहने लगे। 11 वर्ष के बाद चिंतित रहने लगे कि माता पिता जो है कि अब तो हम 12 साल पूरा होने में कुछ ही समय बचा हुआ है, ऐसा ना हमारा पुत्र मर जाएगा, हम लोग बाँझ बाजिन फिर से हो जाएंगे, ये वो सोचने लगे लोग। तो मार्कंडेय जी देखे माता पिता बड़े चिंतित हैं, तो पूछे कि हे माता पिता क्या दिक्कत, क्या परेशानी, आप लोग क्यों इतना चिंतित रहते हैं? तो उन्होंने बताया कि देखिए बेटा, आप हमें तो पुत्र नहीं था, भगवान की तपस्या करने पर आपकी प्राप्ति हुई है, आप आए हैं हमारे जीवन में, अब आपका समय पूरा हो गया है, आप जाने वाले हैं। तो मार्कंडेय जी बोले अच्छा, भगवान शंकर जी की कृपा से जब मैं धरती पर आया हूँ, पृथ्वी पर आया हूँ, तो उन्हीं की कृपा से मैं आगे भी अपना जीवन यापन करूँगा, मैं उन्हीं की आराधना करूँगा और अपनी मृत्यु पर विजय पाऊँगा। इतना बोल करके मार्कंडेय जी आ गए यहाँ पर। वो रहने वाले यहाँ के थे, नैमिषारण्य, लखनऊ के पास की जगह है नैमिषारण्य, वो रहने वाले वहाँ के थे, ऋषि मुनि वहाँ के थे, नाम भी है वहाँ का नैमिषारण्य, जानते भी होंगे लोग बहुत लोग। तो फिर वहाँ से जो है यहाँ आए, इधर से होते हुए 5 ऋषि चले थे उनके साथ में, और सभी ऋषि बारी बारी से रुकते हुए मार्कंडेय जी यहाँ पे आए। गंगा गोमती का संगम उस समय यहाँ के करीब था, मंदिर के करीब था। अब धीरे धीरे करते करते नदी आगे चली गई, गंगा जी इधर चली गई हैं, यहाँ पे था, किनारे बैठ करके गंगा नदी के किनारे, और ये जो है तपस्या करने लगे मार्कंडेय ऋषि, तपस्या करने लगे ओम नमः शिवाय। यहाँ पे देखिए महामृत्युंजय मंत्र की भी उत्पत्ति हुई है, एक कामना तो हो गई पूरी कि यहाँ पे पुत्र प्राप्ति हो गया, अब अपनी मृत्यु पर विजय का पाना, ये दूसरी कहानी है। तो मार्कंडेय जी तपस्या करने लगे, ओम त्र्यंबकम् जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनान्मृत्यो और मुक्षीयमामृतात्, इस तरह का जप करने लगे। जब जप करने लगे तो समय धीरे धीरे बढ़ा आगे समय, और जब 12 वर्ष पूर्ण हुए तो यमदूत आए इनके प्राण हरने के लिए, और उन्होंने अपना पासा फेंका, वो सब विफल हो गए, नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान शंकर की तपस्या में लीन थे मार्कंडेय जी पूरे पूर्ण रूप से। तो जब नहीं हो पाया कुछ, तो फिर उसके बाद जो है चले गए यमदूत, जाके यमराज को अपना पूरा कहानी बताया कि नहीं हो पा रहा प्रभु, हम लोग नहीं उनके प्राण हर पा रहे। तो यमराज स्वयं चले, भैंसे पर सवार होकर यमराज स्वयं आए। जब स्वयं आए तो उन्होंने अपना यम पास फेंका। अब जब यम पास फेंका तो मार्कंडेय जी को भी आभास हुआ कि अब हमारे प्राण निकल जाएंगे, तो शिवलिंग को जोर से अपने गले में पकड़ करके, मिट्टी के पार्थिव बनाई हुई थी उसको ऐसे जोर से पकड़ के गले लगा करके, चंद्रशेखर 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 रक्षमाम चंद्रशेखर 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 पाहिमाम का जाप करने लगे जोर जोर से। भगवान शंकर जी सारी माया देख रहे थे, और तुरंत क्रोधित मुद्रा में चतुर्भुज अवतार में, भगवान शंकर जी को आप कभी नहीं देखे होंगे, भगवान शंकर जी पहली बार चतुर्भुज अवतार में प्रकट हुए, नंदी पे सवार और भैंसे पे सवार, यमराज के ऊपर अपना त्रिशूल तान दिया शंकर जी ने मारने के लिए कि क्यों मेरे जो है भक्त की जान लेने पर आतुर हुआ है। तो यमराज बोला हे प्रभु, ये आप ही के आदेश अनुसार हो रहा है, आप ही के कथन अनुसार इनका 12 वर्ष पूर्ण हो गया, तो मैं इनके प्राण हरने के लिए आया हूँ। तो मार्कंडेय जी चुपचाप अपना पकड़ के शिवलिंग बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, और यमराज जो है हाथ जोड़ के, यमराज भी खड़ा हो गया, आपको फोटो दिखाऊंगा, मैं फोटो देखे होंगे आप कहीं पे, तो यमराज भी क्षमा मांग के। तो शंकर जी ने बताया कि जब कई बार प्रलय होता है, कई बार पृथ्वी अपने जगह को बदलती है, स्थान बदलती है, तब जाके ब्रह्मा का एक पल होता है। इसी प्रकार जब कई वर्ष जब ब्रह्मा के बीतते हैं तो विष्णु का क्षण होता है, और जब विष्णु के बहुत सारे समय बीतते हैं, बहुत सा अवतार बीतता है, सृष्टि का बहुत बार नाश विनाश होता है, तब मेरा एक पल होता है। मैंने अपने एक पल के हिसाब से मार्कंडेय ऋषि को 12 वर्ष की आयु दी है, यहीं पर भगवान मार्कंडेय ऋषि जी अमर हो गए हैं, जो ताखे में रखे हुए थे वो मार्कंडेय ऋषि हैं, जो नीचे हैं वो स्वयंभू हैं, वो स्वयं निकले हुए हैं। देखिए एक होता है स्थापित लिंग, हम स्थापित लिंग की अगर पूजा करेंगे तो उसको पहले बिठाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, यहाँ पर ना बैठाने की जरूरत है ना प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत है, ये स्वयंभू हैं, भगवान शंकर जी साक्षात यहाँ प्रकट हुए हैं। तो यहाँ का महत्व जैसे 12 ज्योतिर्लिंग का महत्व है, वैसे ही यहाँ का महत्व है, उसी प्रकार है, उससे कम नहीं है, बस अपने जानने की इच्छा और वो सोच की बात है। ठीक है, ये कहानी है यहाँ की। दो चीज़ें पूरी होती हैं, एक अपने जीवन पे आप आगे बढ़ सकते हैं, और दूसरा पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है यहाँ से। ठीक है, मेरा नाम राजेश गोस्वामी है, मैं यहीं का पुजारी हूँ, मेरे पिताजी हैं दीनदयाल गिरी जी। हर हर महादेव। फाइनली हमें महादेव जी के दर्शन हो चुके हैं और अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जब मैं पिछले साल यहाँ पे आया था ना, तो ऐसा कोई रूल नहीं था कि अंदर, मतलब आप
फोटोज या वीडियोज कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन अब मंदिर में जैसे आप एंट्री करेंगे ना, बाहर गेट पे ही लिख दिया गया है कि मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी या सेल्फी लेना पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। तो जानते ही हैं कि जहाँ पर प्रोहिबिटेड होता है और जहाँ पर इस तरह से लिखा होता है, हम उस चीज़ को कैप्चर नहीं करते और हमें कैप्चर भी नहीं करना चाहिए। सो दैट हम लोगों ने अंदर का कोई भी सीन कैप्चर किया नहीं। हम आए और वहाँ पे सूज उतारा और फिर प्रसाद लिए, दर्शन किया और अब निकल चुके हैं। अगर आपको मंदिर के अंदर का क्लिप्स देखना है, गर्भगृह का क्लिप्स तो वैसे भी हमने बनाया ही नहीं, क्योंकि उस समय तो गर्भगृह के अंदर फोटोग्राफी मना था, लेकिन अब पूरे मंदिर प्रांगण में अंदर मना हो चुका है, उस समय हमने बनाया, तो आप वो हमारा व्लॉग जाके देख सकते हैं। अब देखिए, हमसे एक यहाँ पे पंडित जी मिले हुए थे पिछले बार जब हम यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने यहाँ की मान्यता और यहाँ की जो मेन प्राथमिकता है ना, उसके बारे में जानकारी शेयर की थी। तो अभी इसके बाद वो क्लिप आप देखेंगे और फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लिप में। और अगर आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा वीकेंड को छोड़ के ही, क्योंकि हम लोग को दर्शन, हमें लग रहा है ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट में हो गए, एकदम आराम से गए हम लोगों ने। भगवान शंकर की शिवलिंग को भी आराम से टच करके दर्शन किया। हाँ, मेरे लाइफ का ये दूसरा एक्सपीरियंस है, पहला एक्सपीरियंस भी यहीं पे था जब हम आए थे, तो यहाँ पे टच करके हम दर्शन किए हुए थे, और दूसरा एक्सपीरियंस भी यहीं का रहा कि जब हम टच करके दर्शन कर चुके हैं। अब फिर से घाट पर चलते हैं और उस ब्लॉग को वहीं पर एंड अप करेंगे। हर हर महादेव। अभी फिलहाल हम सब जो है वो घाट पर फिर से आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए किस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। काफ़ी सुंदर नज़ारा यहाँ पर बना हुआ है और पहले के मुकाबले ना अब यहाँ पर घाटों का निर्माण कार्य भी बहुत अच्छी तरीके से हो चुका है। अभी भी देखिए उधर भी घाट्स वगैरह जो है वो बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर देखिए श्रद्धालु भी स्नान कर रहे हैं। आप भी चाहें तो यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं। तो कुछ सुंदर नज़ारा आपके लिए, और आज का वेदर भी बहुत ज़्यादा अच्छा हमें लग रहा है। और चलिए मिलते हैं फिर फ्रंट क्लिप में आपसे। हर हर महादेव। हमने अभी अभी वीडियो क्लिप में आपको अपने बैक कैमरे से पूरा घाट का नज़ारा दिखाया कि किस प्रकार से यहाँ पर घाट देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर चेंजिंग रूम की व्यवस्था भी है और साथ ही साथ यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। अगर नाव से आपको जो है इस पार से उस पार विजिट करना है तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। इस व्लॉग में हमने पूरा कोशिश किया है कि जहाँ जहाँ जिस तरह से हम पहुँचे उस तरह से हमने आपको अपनी जानकारी शेयर की, अपने दर्शन की एक्सपीरियंस बताया, और आप अगर आउट ऑफ बनारस से यहाँ पर आ रहे हैं तो कैसे आ सकते हैं वो भी हमने आपको दिखाया बताया। साथ ही साथ मंदिर की जो मान्यताएँ थी, जो पिछले साल आए हुए थे पुजारी जी से मुलाकात किए थे, तो उन्होंने जो मान्यताओं के बारे में हमसे जानकारी शेयर की थी वो भी हमने इस वीडियो क्लिप में आपसे शेयर किया हुआ है। हालांकि हमारी ये उम्मीद थी कि इस बार भी हम पंडित जी से मिलेंगे, लेकिन मुलाकात हो नहीं पाई, वो यहाँ पर थे नहीं। सो दैट जो पिछले साल का क्लिप्स था वो भी आपने इसमें देखा होगा। अब समय है इस ब्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करने का और आपके लिए दूसरा पार्ट का व्लॉग तैयार करने का। यानी अब हम यहाँ से जो है ना सर्वद्वेद मंदिर जा रहे हैं, जो कि इसी मार्ग पर स्थित है, जिसका सेकेंड पार्ट का व्लॉग आएगा, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। आशा करूँगा कि इस व्लॉग में आपने घर बैठे पूरा का पूरा जो है एंजॉय किया होगा और यहाँ से जुड़ी जानकारी जानने के साथ साथ दर्शन भी की होगी। चलिए, हमारे साथ भानु मौजूद थे, तो भानु ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और वेदर भी बहुत साथ दिया आज, बिल्कुल नॉर्मल वेदर था। सुबह में थोड़ा सा बारिश हुआ लेकिन वेदर ठीक था इधर, जैसे हालांकि इधर बारिश हुआ नहीं है। हाँ, हमारे बनारस में हुआ था, यहाँ नहीं हुआ। चलिए, तो बस इसी खुशी के साथ, मुस्कुराहट के साथ, और आप सब जानते हैं कि जैसे जयकारा लगा के हम इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, वैसे जयकारों के साथ इस ब्लॉग को एंड करेंगे। तो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मेरा नाम है आयुष। भानु, मिलते हैं फिर एक और नए प्यारे से व्लॉग में।